आज 26 अप्रैल 2022 भारत में मंगलवार है। इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज के साकार मुरली में बाबा ने एक बात की गहराई में गए हैं। ज्ञान के सागर है शिव बाबा। जब सचिन भाई वलसाड़ गुजरात में थे, तो उस समय आदरणीय हमारे जगदीश भाई, जिनको बाबा ने गणेश का टाइटल दिया था, जिन्होंने बाबा का मेजॉरिटी लिटरेचर उस वक्त लिखा था और उनका अनुभव बहुत दिव्य है, तो उनका एक सेशन था कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, संघर्ष को कैसे कम करें। वलसाड में एक कंपनी है अतुल इंडस्ट्रीज में, वहाँ पे टॉप टीम के लिए रखा था। तो वहाँ पे सचिन भाई जाते थे सेशन लेने के लिए, तो हमको भी बुलाया था। तब उस समय चर्चा हुई, तब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, दो बातें इनफैक्ट कही। एक, हमें कहा कि अगर बिंदु बनना है बाप समान, तो पहले ज्ञान में सिंधु बनना पड़ेगा। इसका विस्तार आज की मुरली में आया है। बिंदु बनना है तो ज्ञान में सिंधु बनना पड़ेगा। और दूसरा हमें बताया कि जैसे लौकिक में डॉक्टर होते हैं, तो हर एक की स्पेशलिटी होती है। कोई आँख का होता है, कोई कान का होता है, कोई स्किन का होता है, तो ऐसे अलग अलग स्पेशलिटी होती है। ब्रेन का होता है, हार्ट का होता है। तो मुझे कहा कि आप भी किसी के स्पेशलिस्ट बनो। तो उस समय तो बात समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट खुलता गया, क्योंकि उस समय नशा बहुत था, अभी भी नशा बहुत है, लेकिन सभी प्रकार की सेवा करते थे, फोकस होके नहीं करते थे। कभी स्ट्रेस मैनेजमेंट सुनाया, कभी डायबिटीज के ऊपर सुनाया, कभी हार्ट डिसीज के ऊपर सुनाया, कभी मानसिक बीमारी के ऊपर सुनाया। लेकिन जैसे ही ड्रामा प्लान अनुसार ये नशा मुक्ति का सेवा चालू हुई, तो बाबा ने ऐसी विशेषता भर दी कि पूरे भारत में 18,000 भाई बहनों को अभी तक, अभी तो नंबर बढ़ते ही जा रहा है, भाई बहनों को नशा मुक्ति की ट्रेनिंग दी। 7 बार स्टेट लेवल का अवार्ड मिला, ब्रह्मा कुमारी का नाम हो गया बहुत सारे स्टेट में। अभी उसके लिए जाना होता है। कल भी यहाँ पर अभी इस समय ड्रामा प्लान अनुसार कर्नाटक करके स्टेट है, वहाँ पे बीदर डिस्ट्रिक्ट है, तो बीदर डिस्ट्रिक्ट में ड्रग फ्री बीदर कैंपेन चल रहा है। तो वहाँ पे चीफ गेस्ट और मेन स्पीकर के रूप में बुलाया था। तो बाबा इसी में आगे बढ़ा रहा है। तो ये जगदीश भाई की बात जैसे कि वरदान सिद्ध हुई। अभी ये बात यहाँ पर क्यों सुना रहे, क्योंकि बाबा ने आज की मुरली में कहा है, जो बाबा के समझदार बच्चे उन्होंने तो पकड़ लिया होगा, कि ऊंच पद पाना है तो ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। और जितना ज्ञान का पेट्रोल भरते जाएंगे, उतना सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करेंगे और कोई भी उल्टी चलन नहीं चलेंगे। अभी ये दोनों का कनेक्शन है। पेट्रोल के बारे में बाबा ने मुरली में बहुत सारी बातें कही है। बात देखो वही होते, लेकिन बाबा अलग अलग तरीके से वही बात को समझाता है। पेट्रोल शब्द के साथ बाबा ने कंट्रोल शब्द को इस्तेमाल किया है। जो भी अव्यक्त मुरलियों में पेट्रोल के बारे में कहा है, पहले भी हमने देखा कि बाबा ने जो भी बातें साकार मुरली में कही है, उसी को रिफाइन रूप में अव्यक्त मुरलियों में कहा है। तो एक अव्यक्त मुरली याद आ रही है सचिन भाई को अभी, कि बाबा ने उस मुरली में कहा था कि जो एरोप्लेन आकाश में उड़ता है, तो उसमें जो पेट्रोल होता है, आप सब भाई बहनों को पता होगा, वो साधारण कार में डालने वाला पेट्रोल नहीं होता है, वो डबल रिफाइन पेट्रोल होता है। तो बाबा ने उस मुरली में डबल रिफाइन स्टेज के बारे में बताया था। रिफाइन माना शुद्ध। और बाबा ने कहा था कि जितना आत्मा के अंदर ज्ञान का पेट्रोल होगा, उतना उसकी कंट्रोलिंग पावर बहुत अच्छी होगी। तो पेट्रोल और कंट्रोल, और उतनी आत्मा उड़ पाएगी। तो एरोप्लेन का ये एग्जाम्पल देखते हैं। एरोप्लेन धरती से ऊपर आकाश में जब उड़ता है,
या जो रॉकेट होता है वो भी आकाश में जब उड़ता है तो उसको पहले फोर्स इसलिए लगता है क्योंकि ग्रेविटी है, माना गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। पृथ्वी में आप कोई भी चीज हवा में फेंको तो वो वापस पृथ्वी की तरफ आती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी हमको खींच के रखती है, हम हवा में उड़ नहीं सकते हैं। और जिस ग्रह पर ग्रेविटी कम है वहां पर आप छलांग भी लगाओ तो भी उड़ जाएंगे। जैसे चंद्रमा के ऊपर जब वो गए थे तो चंद्रमा पर आप चलते भी हो तो हवा में उड़ते हो, क्योंकि ग्रेविटी का फर्क है। बहुत सारा एस्ट्रोफिजिक्स या खगोलीय भौतिक शास्त्र हमको बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें सुनाते हैं। कल एक पढ़ रहा था तो आइंस्टाइन का थ्योरी था कि टाइम डायलिटेशन ये अंग्रेजी शब्द है, इसका अर्थ है कि समय को लंबा करना। तो आप अगर स्पेस में चले जाते हो 15 साल की उम्र में और आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे हो स्पीड में स्पेस में, तो आप 5 साल के लिए अगर स्पेस में गए इस स्पीड से, तो आप 5 साल के बाद जब पृथ्वी पर आओगे तो आपकी उम्र केवल 20 साल ही होगी, लेकिन जो आपके साथ वाले हैं, मित्र हैं, वो 15 साल से उनकी उम्र 45 साल हो जाएगी। माना टाइम डायलिटेशन होता है उनके लिए। अब ये बहुत डीप बात है, बहुत गहरी बात है, हम इस बात को कभी लेंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं कि खगोल शास्त्र जो है, स्पेस का साइंस है, ये बहुत डीप और गुह्य है। आज की बात के ऊपर आते हैं कि हमको पृथ्वी से बाहर जाना है स्पेस में, तो हमारे पास इतनी शक्ति चाहिए कि ये तत्व है हमको नहीं खींचे, और यही सबसे बड़ा पेपर बनता है। माया भी क्या है? आज मम्मा ने परमात्मा के बारे में जो 7 डेज कोर्स में बातें सुनाते हैं कि क्या कुदरत परमात्मा है, क्या सब जगह परमात्मा है, क्या ब्रह्मा ही सब जगह पे है, ये जो बेसिक बिलीफ है, मान्यता है, उसको बहुत अच्छी तरह से टच किया, जिसके ऊपर आज की बहनें कोर्स कराते हैं। मम्मा ने उस समय ये बातें सुनाई थी। तो हमारे सामने सबसे बड़ा विघ्न या माया कहेंगे वो है गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण, और आकर्षण होता है तत्वों का, तत्वों के साथ ये आकर्षण जुड़ा हुआ है, और इस तत्वों को जीतना ही माया जीत और प्रकृति जीत। इसलिए आप शब्द देखो, दोनों शब्द साथ में जाते हैं। जो माया को जीतते हैं वो प्रकृति को भी जीत लेते हैं, वो कर्मेंद्रियों को भी जीत लेते हैं, और वो उल्टी चलन नहीं चलते। तो देखो, ज्ञान का पेट्रोल, ऊंच पद पाना और उल्टी चलन नहीं चलना, ये सभी कनेक्टेड है, पूरी मुरली कनेक्टेड है। जैसे हमारे बुद्धि के कपाट खुलते हैं, हम योग में रहते हैं, तो सभी मुरली जुड़ी हुई दिखाई देते। अभी ये जो बाबा से पूछते हैं कि बाबा आप मेरी बीमारी ठीक करो, माना तत्वों को ठीक करो, ऐसे बाबा को कहते हैं। तो बाबा कहता है मैं ये सब करने के लिए नहीं आया हूँ, ये तो लौकिक में कई सारे हैं साधु संत, ये बीमारी को ठीक करते हैं, है ना, इनके पास सिद्धियां होती है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? कि आपको अनुभव सुनाते हैं। बाबा का एक बच्चा, वो सत्य साई बाबा का फॉलोअर था, क्योंकि उसको पैरालिसिस हुआ था तो कमजोर हो गए थे हाथ और पैर, तो उनके पास गए, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, जब बीमारी होती है तो दूसरा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो जाते हैं ऐसे लोगों के पास। तो सत्य साई बाबा ने केवल उसको कहा क्या तकलीफ है, तो उन्होंने कहा ये वीक हो गया, हाथ और पैर काम नहीं कर रहा है, तो उन्होंने केवल एक हाथ ऐसे घुमाया और उसके हाथों में ताकत आ गई, पैरों में ताकत आ गई, चलना लग गया, तो भगवान समझ के उसको फॉलो करने लगा। लेकिन जब इस आत्मा को बाबा का ज्ञान मिला तो उसने उनको छोड़ दिया, तब उसको पूछा कि वहां में और यहाँ में क्या फर्क है, तब उन्होंने बहुत अच्छा अनुभव कहा कि हमको हमारे कर्म भोग का फल भोगना पड़ता है, वो कोई बच नहीं सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक जगह की बीमारी तो निकाल देते हैं, लेकिन वो बीमारी दूसरी जगह पे आ जाती है। समझो आपके पैर के ऊपर फोड़ा किसी को आया, तो कोई सिद्धि से वो फोड़े को ठीक कर देगा तो वहां का फोड़ा ठीक हो जाएगा, दूसरी जगह पे आ जाएगा। इसलिए बाबा ने आज मुरली में कहा है कि कर्म भोग की भोगना भोगनी है आपको, है ना,
भोगनी है, या फिर बाबा का बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। बाबा ने कहा कि कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी से पुराना हिसाब चुक तो करना है। और इसको बहुत अच्छा बाबा ने एक मुरली में कहा था कि कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की विजय, कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की विजय। उसका उदाहरण बाबा ने दिया था कि ब्रह्मा बाप का शरीर जब छूटा, तब बहुत भाई बहनों ने ये प्रश्न पूछा था कि बाबा उस समय आपका अनुभव हमको सुनाओ। तो बाबा ने सुनाया कि शरीर में दर्द हो रहा था, हार्ट है ना, वो हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं, तो शरीर अपने तरफ खींच रहा था जो तत्व है जिसकी बात अभी चल रही है, और योग भी बाबा के तरफ लग रहा था, तो बाबा भी खींच रहा था, तत्व भी खींच रहे थे, माना शरीर अपने तरफ खींच रहा है और बाबा अपने तरफ खींच रहा है, तो दोनों की खींचातान में थे। तो आखिर में क्या हुआ, कर्म भोग माना शरीर अपने तरफ खींच रहा था आत्मा को, तो कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की विजय हुई और पिंजड़ा खुला खुला और पंछी उड़ा। ये बाबा के शब्द है, पिंजड़ा खुला पंछी उड़ा, और बाबा अव्यक्त संपूर्ण फरिश्ता अवस्था को प्राप्त हो गए। तो हम सब बच्चों को नंबर वार इस स्टेज पर पहुंचना है और पहुंच कर ही रहेंगे, लेकिन उसके लिए धारणा है पांच तत्वों की जो माया है, जिसको बाबा ने कहा देह भान और देह अभिमान। अलग अलग तरीके से इस माया को बाबा ने अप्रोच किया हुआ है। आज किसी ने मुरली सुनाई भेजी एक, तो उसमें भी बताया है कि माया क्यों परेशान करती है, क्योंकि माया इसीलिए परेशान करती है क्योंकि हम समान की स्थिति में स्थित होकर निरंतर फरमान पर नहीं चलते हैं। जैसे ही फरमान पर नहीं चले तो माया ने, जिसको बाबा ने कहा बाप को भूला तो लगा माया का गोला, माना फरमान छोड़ दिया तो माया कोसा मारती है, झाटकू नहीं बनते हैं, झाटकू माना जो एक धक से स्वाहा हो जाते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, सहन करना नहीं चाहते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है कि बाबा बीमारी ठीक करने के लिए नहीं आया है। बहुत सारे लोग बाबा के पास ये गुहार लगाते, इवन साकार में भी आते थे कि बाबा हमारी बीमारी को ठीक करो, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अभी ये तो लौकिक में बहुत सारे लोग गुरु लोग करते हैं, लेकिन बाबा इंटरफेयर नहीं करता है ड्रामा में। हाँ, कुछ लोगों का ड्रामा में पार्ट होता है, अभी ये तो भगवान ही जाने कि क्यों ऐसा कुछ लोगों को बाबा की मदद मिली है और कुछ लोगों को नहीं मिली, तो बाबा ये सब क्रेडिट ड्रामा को देते हैं। मुझे एक इंटरेस्टिंग बात याद आ रही है तो आपके साथ शेयर करते हैं। हम ग्लोबल हॉस्पिटल में जब सेवा दे रहे थे 98 में, तो वहाँ पर एक बहन थी, मंजू बहन, वो सिस्टर थी, इंचार्ज थी। तो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि वो जब कुमारी रूप में बाबा के पास आए तो बाबा के साथ शादी हुई और अव्यक्त बाप दादा ने उनको हाथ में अंगूठी पहनाई। देखो कितनी भाग्यवान आत्मा है। तो बहुत खुश थी, तो ड्यूटी करती थी नर्सेस की, वहाँ नहीं लौकिक में। तो एक दिन क्या हुआ कि उनको बीमारी डायग्नोस हो गई। कौन सी बीमारी, कि उनकी दोनों किडनियाँ फेल हो गई। अभी उस समय तो इतना इलाज नहीं था अच्छा, 75 की बात होगी उसके आसपास, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता। तो उनके पूरे शरीर में सूजन आ गए। आप सबको पता हो किडनी फेल होती है तो सबसे पहले आंखों के ऊपर सूजन आते हैं, सुबह उठते ही आंखों के चारों तरफ चेहरा सूजा रहता है, पैर में सूजन होती है, पूरे बॉडी में, क्योंकि किडनी का फंक्शन काम नहीं कर रहा होता है तो बॉडी में फ्लूइड जमा होने लगता है। और डॉक्टर ने कहा बहुत मुश्किल है इसका बचना, ये कुछ दिनों की मेहमान है। तो जैसे ही पता चला कुछ दिनों के मेहमान है, तो भाई बहने उसको लेके आए बाबा के सामने। और उस समय तो बाबा एवरी अल्टरनेट डेट, ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट डे मुरली चलाने आते थे अव्यक्त बाप दादा। तो बाबा के पास लेके गए और बाबा से दृष्टि लिए, बाबा को बोला बाबा डॉक्टर ने ऐसे ऐसे कहा इसकी दोनों किडनियां फेल है, ये कुछ दिन के ही मेहमान है। तो बाबा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप इसको खुश रखो और इसको फ्रूट जूस पिला दो। अभी उनको लगा ठीक है, बाबा कहते हैं कि अंतिम समय में ये खुश रहे करके, तो उन्होंने उसको खुश रखा, पिकनिक में लेके गए और जूस वगैरह पिलाना चालू किया। अभी वंडर ये हुआ कि जैसे जैसे कुछ दिन चलते गए, इनको लगा 10-15 दिन, ये धीरे धीरे इसकी सूजन कम होने लगी और ये ठीक होने लगी।
और आप सोचो, मैं 98 में मिला इसको, 75 में बोला था कि कुछ दिनों की मेहमान है, और लंबे समय तक उसके दोनों किडनियां ठीक रही। तो ये कैसे हुआ ये हम नहीं जानते हैं। तो बाबा ने कुछ आत्माओं को डेफिनेटली मदद की हुई है, लेकिन कुछ को करता है, सबको नहीं करता है, ये तो कर्मों की गुह्य गति है जो हम नहीं जान सकते। ऐसे ही हमारी दादिया जब तपस्या वर्ष में थी, मैंने 14 साल साधना जो किया उस समय, कहाँ जाती नहीं थी, तो कहाँ किसी डॉक्टर के पास कहाँ जाए। तो उस समय का अनुभव सुनाते कि उस समय किसी दादी को कॉलरा हुआ था। अभी कॉलरा बहुत खतरनाक बीमारी है, लूज मोशन रुक ही नहीं रहे, डॉक्टर के पास जा नहीं सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि अनारदाना लेके आओ, और अनारदाने का वो अनारदाना डाल के उसका उसको सुखा के उसका जो रोटी है वो खिला दो। अभी बाबा ने कहा तो वो जैसे उसको खिलाया उसकी बीमारी ठीक हो गई, वो खड़ी हो गई। तो ऐसे बाबा ने बहुत सारे नुस्खे बीच बीच में बताए हुए हैं जो कुछ आत्माओं को बहुत मदद किया है, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। बाबा ने जैसे कहा ना, कुछ लोगों का ड्रामा में पार्ट है तो उनको बाबा बताता है, बाकी लोगों को अपने कर्म भोग को खुशी खुशी से चुकतू करना है, डरना नहीं है। तो पहली बात, ज्ञान का पेट्रोल जिसके अंदर होगा वो इन सब बातों में नहीं जाएगा, है ना। उसको पता है कि मेरे कर्म भोग है, मुझे सहन करना है। हाँ, बाबा को जरूर बताए, हो सकता है बाबा आपको मदद करे और आपके हिसाब किताब चुकतू होने में सहज रहे। लेकिन आप कल्पना करो कि मम्मा जैसी नंबर 1 नंबर 2 सोल है बाबा, उनकी खांसी ठीक नहीं हुई, मम्मा का कैंसर ठीक नहीं हुआ, उन्होंने योग बल से इसके ऊपर विजय प्राप्त किया ना, और फिर भी ऊंच पद प्राप्त किया। इसलिए हमको भी ये ध्यान में रखना है। तो बाबा ने कहा कि ये तत्व जो खींचते हैं इनसे बहुत संभाल के रहना है, क्योंकि पूरा जो विघ्न है ये माया के तत्व है, शरीर जिसको कहते हैं, ये तत्व अपने तरफ आकर्षित करते हैं। जो आज बाबा ने कहा ना कि कुछ लोगों को, कुछ बाबा के बच्चों को लगता है ये चीज खाओ खाओ, माना उनकी माया जो है वो जिह्वा से आती है, सॉफ्ट टारगेट है बीके भाई बहनों के लिए, भोजन में सुख है ना। तो कई लोगों को खाने में आसक्ति होती है, तो ये खाऊं वो खाऊं ऐसा दिल करता रहता है। उन लोगों में काम विकार नहीं होता, लेकिन खाऊं खाऊं ऐसा रहता है। कुछ लोगों में काम विकार होता है, तो उसका भी उदाहरण दिया है बाबा ने, कहा कुछ भाई बहनों को लगता है कि जाकर इसको गले मिलो, उससे भाकी पहनो, बाहों में ले लो, ये क्या है। ये सब तत्व है जो अपने तरफ खींचते हैं, है ना। ये है तत्वों का खिंचाव। और जिसने, जिस बाबा के बच्चे ने तत्वों को जीत लिया, प्रकृति को जीत लिया, माया को जीत लिया, वो डेफिनेटली ऊंच पद का अधिकारी बनेगा। तो यही आज की मुरली है। और ये कैसे होगा, जितना ज्ञान का पेट्रोल अपने अंदर भरते जाएंगे उतना क्या होगा, ये तत्व खींचेंगे नहीं, और मृत्यु से भी डर नहीं लगेगा। अब ये सब बाकी पहनो वगैरह क्या है, अंदर का अकेलापन है, खाली है, तो समझते हैं कोई देहदारी हमको प्यार दे, देहदारी का प्यार मिल जाएगा तो हमारा अकेलापन दूर हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन बाबा ने जैसे कहा ना, ये कलयुग है, एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या प्यार देगा, क्योंकि आत्माएं अपने अंतिम जन्म में है ना, तो खाली है, खाली माना भिखारी है। तो ये सब माया है, तो इससे बहुत संभल के चलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए मरने से। अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं कि ऑल फियर्स आर फियर्स ऑफ मॉर्टेलिटी इन डिसगाइज, माना समझो किसी को भोजन नहीं मिलता है तो वो डरता क्यों है कि अरे भोजन नहीं मिला तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, कमजोर हो गया तो बीमारी हो जाएगी, बीमारी हो गया तो मैं मर जाऊंगा। तो अल्टीमेटली मृत्यु का ही डर है, सभी डर के जड़ में मृत्यु का डर है। और बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं डरो, क्योंकि तुम अविनाशी आत्मा हो, ये पुराना शरीर भर चला जाए और हमें वापस घर जाना है, हम अशरीरी आत्मा है। ये ज्ञान का पेट्रोल है, जितना ये ज्ञान का पेट्रोल हम भरते जाएंगे अपने अंदर उतना हम अशरीरी बनेंगे, और जब तक इस शरीर में है तब तक ज्ञानामृत पीते रहना है।
इसलिए बाबा ने एक बार आशीर्वाद मुरली में दिया था और कहा था कि लौकिक में वो गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं कि सुखी भव, तंदुरुस्त भव या चिरंजीवी भव। बाबा तो कहता है कि शरीर तो हमेशा के लिए नहीं रह सकता, लेकिन ये बीके लाइफ है, इसमें आप चिरंजीवी बनो। जब तक आप हैं तब तक सर्विसेबल बनो, तो आयु बढ़ती जाएगी। तो आज विशेष अटेंशन इस बात पर देना है कि ज्ञान का पेट्रोल अपने अंदर भरते जाना है। जो जितना बाबा का बच्चा ज्ञान के पेट्रोल से भरपूर होगा, उतने उसके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। मुझे बहुत वंडर लगता है, बहुत सारे भाई बहनों को बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, मुझे तो कोई भी प्रश्न नहीं है। हाँ, ज्ञान के मनन चिंतन के हिसाब से ठीक है, लेकिन ऐसे प्रश्न नहीं है जो बुद्धि को विचलित करें। तो कितने सारे कन्फ्यूजन है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन क्यों है? क्योंकि बुद्धि ज्ञान के पेट्रोल से भरपूर नहीं है। अगर मुरली को बार बार पढ़ते हैं तो मुरली की भी क्लैरिटी नहीं है, मुरली में भी डाउट उठाते हैं। तो समझना चाहिए कि इस बुद्धि को अभी तक शक्तिशाली बनाया नहीं है, क्योंकि बुद्धि का काम है डिसीजन लेना। तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है या गलत है, इसलिए बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं, क्लैरिटी नहीं है। तो सचिन भाई अपना अनुभव सुनाते कि जितना हमारा योग अच्छा होगा, जितना हमारे अंदर मुरली के पॉइंट्स भरपूर होंगे, उतना हमारा निर्णय शक्ति बहुत अच्छा होगा और हम बाप समान बनने के एक एक कदम बाबा के नजदीक चलते जाएंगे। आ देखो, आज बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है कि परमात्मा कितना निरहंकारी है ना, निरहंकारी है। उनको कोई अभिमान नहीं है कि मैं तो इतनी ऊंची सेवा करता हूं, मैं पुराने दुनिया में पुराने पतित शरीर में आता, कोई नहीं, क्योंकि तत्वों का आकर्षण ही नहीं है ना। देहधारियों को क्या है, देह है, तो देह को सुंदर बनाना, देह को सजाना, देह का अभिमान आ जाता है कि मैं तो बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूं, योगी हूं। तो बाबा ने कहा ये बहुत बड़ा विघ्न है बाबा के बच्चों में बुद्धि का अभिमान होना। कल भी कहा था कि मैं, मेरी जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता, मेरी हैंडलिंग अच्छी है, मेरे ज्ञान सुनाने का तरीका अच्छा है, मेरा योग अच्छा है, फलाना फलाना, ये है अभिमान। बाबा को ये कुछ नहीं है, बाबा तो अपना कर्तव्य करने आया है, अपकारियों के ऊपर उपकारी। हमने बाबा को कितना गाली दिया, कुत्ते बिल्ली में है ऐसे कहा, कण कण में, फिर भी बाबा रहम दिल बनकर, निरंकारी बनकर, पुराना दुनिया और पुराने शरीर में आकर हमको प्यार कर रहा है और हमको ज्ञान दे रहा है ड्रामा का, जो दुनिया वालों के पास नहीं है। तो हमको भी बाप समान बनना है, तो त्रिकालदर्शी बनकर, जैसे बाबा निरंकारी है। देखो, इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी, मुझे तो ये पॉइंट बहुत नशा दिलाते, इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी है जिसको ढूंढना मुश्किल है, जिसके सेकंड के दर्शन के लिए भक्त तरसते हैं। वो क्या कहता है कि बच्चों, मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। कितना निरंकारी है, कोई भी अभिमान नहीं है। तो हमको भी बाबा जैसा निरंकारी बनना है, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे आज मुरली में कहा ना कि कहने के बाद जो करते हैं वो मनुष्य है, जो बिना कहे करे वो देवता है, और कहने के बाद भी नहीं करते उनको असुर ही कहेंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चों में परिस्थानी गुण चाहिए, परिस्थानी माना सतयुगी गुण चाहिए, और अगर बुद्धि अच्छी है, स्वच्छ है, पवित्र है, तो किसी को भी आप समझा सकते हैं कि गंगा में स्नान करते हो लेकिन गंगा तो सागर से निकले, तो क्यों नहीं सागर में स्नान करें। अभी ये भी हेल्थ की पॉइंट है, सागर माना समुन्दर, समुन्दर का जो रेशियो होता है उसको सलाइन कहते हैं, नमकीन होता है वो पानी। और आजकल के हीलर्स कहते हैं कि समुन्दर में स्नान करने से हमारे शरीर के अंदर जो भी निगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। आप ये खुद भी अनुभव कर सकते हैं, घर में नमक का पानी डालकर उससे स्नान करो तो निगेटिव आयन शरीर से निकल जाते हैं, निगेटिविटी दूर हो जाती है। जो भी हीलर्स है वो निगेटिव एनर्जी को नमक में डालते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रयोग बताते हैं, घर में नमक खुला रखना चाहिए आपके सिरहाने वगैरह वगैरह,
इससे निगेटिविटी, क्योंकि नमक जो है निगेटिविटी को खींच लेता है। आज स्वयं ज्ञान का सागर अविनाशी सर्जन बैद्यनाथ शिव बाबा कह रहा है कि सागर में स्नान करने से क्या होगा। तो सागर में स्नान करना, उन्होंने तो स्थूल में उसका ले लिया अर्थ, हो सकता है उसे अल्पकाल का फायदा हो, लेकिन यथार्थ अर्थ यह है कि सागर शिव बाबा है, नदी या पतित पावनी नहीं है, सागर पतित पावन है और वो शिव बाबा की बात है। तो कई बाबा के बच्चे है ना, नदियों में स्नान करने जाते हैं। माना इसका भी अर्थ बहुत सुंदर है कि जो बाबा के बच्चे निमित्त सेवाधारी है, टीचर्स भाई बहने हैं, अभी वो नदियां हैं, ज्ञान नदियां है ना, तो उनमें स्नान करने से कुछ नहीं होगा। पतित पावन तो सागर शिव बाबा है, सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा, लेकिन उसको भी सागर में समाना है। तो ब्रह्मपुत्रा भी क्या है, पतित पावनी नहीं है, लेकिन लोग भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकते, तो नदियों के साथ कनेक्ट होते हैं। और यही बात हम संगम युग पर अभी देखते हैं, बहुत सारे भाई बहने बीके हो या बाहर के हो, वो बहनों को ही भगवान समझ लेते हैं, उनके पास आते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। तो ये क्या हुआ, नदी में स्नान करना हुआ। तो नदी में स्नान करने से पतित पावन कि जैसे आप पवित्र नहीं बन सकते, आपको तो सागर में ही स्नान करना चाहिए। तो ये बात हमको अच्छी तरह से लोगों को समझानी है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है, क्योंकि जो भी कर्म भोग हम भुगत रहे हैं वो इसी कारण के वजह से, जाने अनजाने हमने लोगों को मन वचन कर्म से दुख दिया हुआ है। तो चेक करना है कि क्या मैं किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख दे रहा हूं, क्योंकि आज नहीं तो कल उसका प्रारब्ध आपके पास आना ही है। कोई भी कुकर्म नहीं करना है, संकल्प आएंगे, क्योंकि कर्म किया है ना, रिकॉर्डिंग है अंदर। समझो किसी ने विकार में गया है, अभी वो विकार का संकल्प बार बार क्यों आ रहा है, मेजॉरिटी पेपर काम विकार का ही आता है, काम और क्रोध, क्योंकि वो कर्म किया हुआ है ना, कुकर्म किया हुआ है, तो वो संकल्पों के रूप में आएगा। बाबा ने आज कहा ना, किसी को भाखी पहने या काम विकार में जाए, वो संकल्प बार बार आएगा, लेकिन उसके वश नहीं होना है, उसके साथ कोऑपरेट नहीं करना है, क्योंकि वो बुद्धि के ऊपर प्रेशर डालेगा। माया ऐसी है कि बुद्धि के ऊपर प्रेशर डालती है, कन्फ्यूजन क्रिएट करती है और विकर्म कराती है। इसलिए बाबा ने कहा अच्छे मैनर्स धारण करने हैं और इशारे से समझ करनी है, कहलवाना नहीं है। देवताओं को इशारे की भाषा समझते हैं, जैसे फरिश्ते होते हैं, उनकी नयनों की भाषा, भावनाओं की भाषा, संकल्पों की भाषा होती है, तभी ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं और बेहद के संपत्तिवान बन सकते हैं। बहुत सुंदर आज का वरदान है, बाबा ने कहा कि बच्चे संपूर्ण अधिकारी बनते हैं, उनका बाप के ऊपर भी अधिकार है। एक मुरली बाबा ने चलाई थी, उसमें बताया था कि सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, तो सबसे बड़ा सम्मान है कि बाप के भी मालिक बन जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बाप के ऊपर चढ़ जाता है, उसका मालिक सिर के ऊपर बैठेगा, कंधे के ऊपर बैठेगा, तो बाप के अथॉरिटी के ऊपर अपना अधिकार समझते हैं। इसलिए बाप द्वारा इस समय सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान मिलता है, और वो कौन सी संपत्ति है, सर्वगुण सर्वशक्तियां, श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति, जिसे कोई चोर भी चोरी नहीं कर सकता, पानी भिगो नहीं सकता, आग जला नहीं सकते, ऐसे अविनाशी संपत्तिवान जब हम बनते हैं तो संपत्ति से सुख मिलता है ना। तो जिसको ये निश्चय है कि मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूं और मैंने ऊंच पद प्राप्त किया है, बाप की प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा ही अधिकार है, तो वो उसके जैसा श्रेष्ठ संपत्तिवान और कोई नहीं, और वो आत्मा हमेशा अलर्ट रहेगी, और जितनी अलर्ट रहेगी उतना। देखो हाईवे के ऊपर एक बोर्ड लिखा रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई बार ये स्लोगन मैं लिख के लेता हूँ, ए ए ए ए अंग्रेजी में वो कहते हैं ऑलवेज अलर्ट अवॉइड्स एक्सीडेंट, चार ए है, पहला ए है ऑलवेज, दूसरा ए है अलर्ट, तीसरा ए है अवॉइड्स, और चौथा ए है एक्सीडेंट।
माना जो हमेशा अलर्ट रहता है वो, उससे अपघात नहीं होते, एक्सीडेंट नहीं होते, ऐसे हाईवे पर लिखा रहता है। और आज के मुरली का स्लोगन है, सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये अलबेलापन की भाषा है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे, मैंने तो बाबा को सब कुछ दिया हुआ है, हई सब बाबा का, बाबा ने मुझे चुना है, इतनी साल सेवा की है, मैं नहीं बनूंगा तो, ये अलबेलापन की भाषा है। नशा अलग है और अलबेलापन अलग है। कई बार सतोगुण और तमोगुण में फर्क नहीं देता है, दिखाई देता है सतोगुण लेकिन होता तमोगुण है ना। तो बाबा ने इससे बहुत अलर्ट रहने को कहा। आलस्य फिजिकल होता है और अलबेलापन सूक्ष्म होता है, बुद्धि का अलबेलापन होता है कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे, हमने इतनी सेवा की है, मैं सबसे पुरानी हूँ, वगैरह वगैरह। तो इस अलबेलापन से दूर रहना है, अपने आप को बचाना है, माया जीत, प्रकृति जीत, कर्मेंद्रिय जीत बनना है। जितना ज्ञान का पेट्रोल डालेंगे उतना तत्वों के आकर्षण से दूर हो जाएंगे और बाबा के पास चले जाएंगे, डर निकल जाएगा, अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक मेरे शरीर में जो भी संवेदनाएं हैं उसे महसूस करो और अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, हल्का, रिलैक्स रिलैक्स, लेट गो, संपूर्ण शरीर हल्का होते जा रहा है। ध्यान दो आंखों के बीच में, महसूस करेंगे कि मैं एक दिव्य प्रकाश हूं, परमधाम निवासी हूं, शरीर से बिल्कुल अलग हूं, मेरा घर पांच तत्वों से परे है, सर्वशक्तिवान पतित पावन बाप के साथ मैं कंबाइंड हूं। महसूस करेंगे कि पतित पावन शिव बाबा से प्राप्त शक्तियों से मुझ आत्मा के ऊपर की कट निकल रही है, मैं स्वच्छ बनते जा रही हूं, मेरे अंदर ज्ञान का पेट्रोल भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, मैं आत्मा अंदर से तृप्त संतुष्ट बनते जा रहे हैं। मेरा डर निकलते जा रहा है क्योंकि मैं स्वयं को अविनाशी आत्मा महसूस करती हूँ। मैंने 84 जन्म में 84 शरीर धारण किए हैं, ये मेरा अंतिम जन्म है। बाबा ने ये ज्ञान मुझे दिया है कि तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। मेरा डर पूरी तरह से निकल चुका है, मैं अशरीरी आत्मा हूँ और बाप से ज्ञानामृत पी रही हूँ। बाप से प्राप्त सर्व गुण शक्तियां और श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति के मालिक हूँ। हर आत्मा को श्रीमत पर चलकर मन वचन कर्म से सुख देने वाली मैं महान आत्मा हूँ। सदा अलर्ट रहने के वजह से मेरा अलबेलापन समाप्त हो रहा है, मैं बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बनते जा रहे हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है, उसका वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है और कह रहा है कि बच्चे तुम मेरे हो, तुमने कल्प कल्प ज्ञान का पेट्रोल अपने में भरकर पांच तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त की है, तुम निर्भय हो, निर्वैर हो, तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं है क्योंकि तुमने महसूस किया कि तुम अविनाशी आत्मा हो और मैं तुम्हें घर ले चलने के लिए आया हूँ। तो चलो बच्चे मेरे साथ घर चलो और अपना श्रेष्ठ संपत्ति का अविनाशी वर्षा प्राप्त करो, तुम्हारी विजय निश्चित निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। बाबा से दृष्टि लेकर मैं आत्मा संतुष्ट हो रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बाबा को दिल से कह रही हूँ, बाबा आप जैसे बोलते हैं वैसे ही होगा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दयालु बाबा,
कृपालु बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।